नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, कहा मंत्री एच के पाटिल ने। बीदर जिले में कम तीव्रता के दो भूकंप आए, हल्के झटके महसूस किए गए। कांग्रेस शासन में कर्नाटका बर्बाद हो गया, यहां के मुख्यमंत्री को अपना भविष्य नहीं पता, पीएम मोदी। फॉक्सकॉन के चेयरमैन को लिखे फर्जी पत्र पर एफआईआर दर्ज, डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा। काशमपुर का कहना है कि कांग्रेस सरकार जल्द ही गिर जाएगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में हजारों साल पुरानी संस्कृति, इतिहास, विरासत और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, लेकिन क्योंकि हम सभी उनकी ज्यादा देखभाल नहीं करते हैं, इसलिए वे विनाश की स्थिति में है। इसलिए ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, कानून, न्याय, मानवाधिकार, संसदीय मंत्री एच के पाटिल ने कहा। बीदर जिले में ऐतिहासिक किला, मोहम्मद गावन मदरसा, अष्टकोणी इमारतें, नरसिंह झरना, बसु कल्याण किला सहित कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके विकसित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 834 घोषित संरक्षित स्मारक हैं। जानकारी है कि राज्य में करीब 25,000 से 30,000 स्मारक हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए ग्रामीण स्तर पर सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है और 38 तालुकों का सर्वेक्षण कार्य पूरा भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि 19,000 प्राचीन निशान मिले हैं। राज्य में पर्यटक स्थलों को संरक्षित करना जनता, उद्यमियों और एसोसिएशनों का सहयोग जरूरी है। इसी पृष्ठभूमि में हमारी स्मृति दत्तक ग्रहण योजना 25 सितंबर को लागू की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जनता, उद्यमियों और संघों के सहयोग से ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना है। बैठक से पहले पर्यटन मंत्री ने बीदर में नरसिंह झरना, हमीलापुर के पास अष्टकोणीय भावी, नौबाद के पास करेज और मोहम्मद के गवान मदरसा का दौरा किया। बैठक में बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, हज एवं नगरपालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, भीमराव पाटिल, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल, कर्नाटका प्रौद्योगिकी और विज्ञान बोर्ड के कर्मचारी, क्लिक फाउंडेशन के निदेशक, बीदर के शैक्षणिक और वाणिज्यिक संघों के प्रमुख और अन्य आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में सोमवार तड़के 1.9 और 2.1 तीव्रता के दो भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये हल्के झटके भूकंप के केंद्र से 25 किलोमीटर के दायरे में देखे जा सकते हैं। पहला झटका बीदर जिले के मदरगांव ग्राम पंचायत के वडनकेरा गांव में महसूस किया गया, जहां 1.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। दो घंटे बाद उसी स्थान पर 2.1 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। इस क्षेत्र में ऐसी भूकंपीय घटनाएं अपेक्षाकृत असामान्य हैं और केएसएनडीएमसी ने कहा कि इन भूकंपों की तीव्रता बहुत कम थी। एक बयान में केएसएनडीएमसी ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा, जो तीव्रता देखी गई वह बहुत कम है और भूकंप के केंद्र से 20 से 25 किलोमीटर की रेडियल दूरी तक झटके महसूस किए जा सकते हैं। इस प्रकार के भूकंपों में स्थानीय समुदाय को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखी गई तीव्रता बहुत कम है। हालांकि स्थानीय कंपन महसूस हो सकता है। भूकंप का केंद्र भूकंपीय क्षेत्र 2 में आता है और टेक्टोनिक मानचित्र के अनुसार यह क्षेत्र किसी भी संरचनात्मक असंतुलन से रहित है। समुदाय को घबराने की जरूरत नहीं है और क्योंकि देखी गई तीव्रता और तीव्रता बहुत कम है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मंत्री एच के पाटिल ने बीदर के ऐतिहासिक स्मारक मदरसा महमूद गावां का दौरा किया। उन्होंने इस स्मारक के सुरक्षा आदि के लिए उपाय करने के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, हज एवं नगरपालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, भीमराव पाटिल, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल, स्थानीय नेता सैयद मंसूर खादरी, डॉक्टर मकसूद चंदास सहित पार्षद आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को नुकसान पहुंचाया है, जहां विकास रुक गया है, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के शीर्ष पर बने रहने पर संदेह जताया। उन्होंने राजस्थान में दो समूहों के बीच अंदरूनी कलह को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पर भी निशाना साधा, जो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच झगड़े का संदर्भ था। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्हें उन राज्यों को बर्बाद कर देती है जहां पर वह सरकार बनाती है। वे आपसी कलह में लगे रहते हैं और उनके पास लोगों के लिए समय नहीं होता। कर्नाटक में सिर्फ 6 महीने पहले बनी कांग्रेस सरकार को देखे, सीएम को नहीं पता कि वह कब तक राज्य के मुखिया रहेंगे। उन्होंने कर्नाटक को बर्बाद कर दिया है, जहां विकास गतिविधियां रुक गई हैं। यह कांग्रेस की संस्कृति है, जहां आपसी कलह चलती रहती है और दिल्ली में बैठे उनके न्यायाधीश निर्णय देते हैं और दुकान चलाते हैं। पीएम ने कहा, जहां भी कांग्रेस की सरकार गलती से बन जाती है, वहां के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच राज्य को लूटने की होड़ लग जाती है, और कर्नाटक से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि एप्पल एयरपोर्ट्स विनिर्माण इकाई को हैदराबाद से कर्नाटक स्थानांतरित करने के लिए फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के अध्यक्ष को कांग्रेस नेता द्वारा लिखे गए एक कथित पत्र पर विधानसौधा पुलिस स्टेशन के साइबर अपराध भुगतान में अनुभाग में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिवकुमार ने पत्र को फर्जी बताया। विवाद तब सामने आया जब कथित पत्र सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी पत्र पोस्ट किया था और उस पर टिप्पणी की थी। यह एक फर्जी पत्र है, मेरे पत्र की अलग अलग विशेषताएं हैं, मेरे पत्र में नंबर है, मेरा लेटर हेड है, हरे रंग में नहीं होगा। यह एक सामान्य विधायक का पत्र है, जिसे विधायक करीब 15 साल पहले इस्तेमाल करते थे। अब कोई भी विधायक हरे रंग के लेटर हेड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मैं यह जानता हूँ। शिवकुमार ने कहा, उन्होंने राव पर भ्रामक रणनीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन किया था, वह बहुत डरा हुआ है, उन्होंने अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के पतन की भविष्यवाणी करते हुए जेडीएस कोर कमेटी के सदस्य बंडेपा खाशमपू ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक नई सरकार होगी, हमें कुछ नहीं करना है, यह अपने आप ढह जाएगा। उन्होंने कहा, पूर्व मंत्री खाशमपू ने कहा, कर्नाटक में 75 लाख किसान हैं और वे संकट में हैं। यदि सरकार वास्तव में उनकी मदद करना चाहती है तो वह कर सकती है। उन्हें बेंगलुरु के आसपास अतिक्रमित सरकार भूमि का 10% पुनः प्राप्त करना होगा और उसका निपटान करना होगा। इसके जरिए सरकार 25,000 करोड़ रुपए कमा सकती है और इसे किसानों को बांट सकती है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि अगले लोकसभा चुनाव में जेडीएस उन सीटों पर जीत हासिल करेगी जिन पर वह चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, हम भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, हमारा पार्टी नेतृत्व जानता है कि हम किन सीटों से लड़ेंगे। जेडीएस के शीर्ष नेता बीजेपी के साथ बातचीत करेंगे और सीटें तय करेंगे। फिर से रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद,
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तुमकुर ग्रामीण भाजपा विधायक बी सुरेश गौड़ा ने कहा कि वह किसी एक विचारधारा पर टिके नहीं रहना चाहते और कई बार तो अपनी ही पार्टी के सिद्धांतों का भी विरोध करते हैं। हमें वामपंथी और दक्षिणपंथी रास्तों को छोड़कर समाज केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि देश को सभी को समानता प्रदान करते हुए प्रगति करनी चाहिए और महात्मा गांधी के सपने को हासिल करना चाहिए। मैं भले ही भाजपा में हूं, लेकिन कभी कभी मैं इसकी विचारधारा का भी विरोध करता हूं। उन्होंने तुमकुर के कन्नड़ भवन में स्थानीय कन्नड़ दैनिक बेवरा हानी की छठी वर्षगांठ पर बोलते हुए कहा। इसके अलावा गौड़ा ने कहा कि वह सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना के इस बयान से सहमत है कि गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर भविष्य में सीएम बनेंगे। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से कोई भी दलित राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैं समर्थन करूंगा अगर परमेश्वर, जो कि जिले से हैं, सीएम बनते हैं, जैसा कि राजन्ना ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा जाति जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार करने की योजना पर उन्होंने कहा कि सरकार इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर सकती है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के हस्तक्षेप के बाद एक त्वरित ऑपरेशन में पावागाड़ा पुलिस ने हाल ही में 6 खजाना शिकारियों के एक गिरोह से एक ज्योतिषी को बचाया। आरोपियों ने 2 नवंबर को पावागाड़ा शहर के बाहरी इलाके से 55 वर्षीय रामन्ना स्वामी का अपहरण कर लिया था, जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर अपने पैतृक गांव राजवंती जा रहे थे। वे उसे अपनी कार में बैंगलोर में एक स्थान पर ले गए और उसके फोन का उपयोग करके अपने बेटे को बुलाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रामन्ना की सुरक्षित रिहाई के लिए उन्होंने जो 16 लाख रुपए कथित तौर पर उन्हें दिए थे, उन्हें वापस किए जाए। घबराए हुए रामन्ना के परिवार के सदस्यों ने मदद के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री एन रघुवीरा रेड्डी से संपर्क किया, जिन्होंने डॉक्टर जी परमेश्वर से बात की, जिसके बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया। रेड्डी एक अनुभवी कांग्रेस नेता हैं, जो कि क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और परमेश्वर के करीबी हैं, क्योंकि परमेश्वर विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी मदद लेते थे। 3 नवंबर की शाम पुलिस की टीम ने अपहरणकर्ताओं का पता लगाया और ज्योतिषी को बचा लिया। आरोपी कमलानगर के 32 वर्षीय शिवराज और बेंगलुरु के चिकबनवारा के 21 वर्षीय अनंत कृष्णा और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के मदकासरी तालुका के कोठलागुड़ा के 25 वर्षीय नरेश को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य व्यक्ति भी फरार है। कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकिहोली ने सोमवार को कहा कि दलितों समेत सभी समुदायों की अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना होगा। वाल्मीकि एसटी समुदाय के नेता ने भी अपने समुदाय के संत के उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखने के बयान को
कमतर रखने की कोशिश की और कहा कि यह एक पुराना मुद्दा है और इस तरह की मांग पहले भी विभिन्न कार्यक्रमों और मंचों पर की गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 2013 में भी दलित सीएम की मांग उठी है। यह मुद्दा बार बार उठाया गया और 5 साल के दौरान कई दिनों तक चला, लेकिन तस्वीर सामने नहीं आई। ऐसी स्थिति है पीडब्ल्यूडी मंत्री। यह पूछे जाने पर कि उनके अनुसार पिक्चर कब जारी हो सकती है, उन्होंने जवाब दिया, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। 2008 में भी मल्लिकार्जुन खड़गे को दावेदार बनाकर दलित सीएम की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मौका मिले जी परमेश्वर, अब गृह मंत्री 8 साल तक पार्टी अध्यक्ष रहे और डीसीएम बने, लेकिन उन्हें भी सीएम बनने का मौका नहीं मिला। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने की जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी की पेशकश को सिरे से खारिज करते हुए आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कुमार स्वामी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी को राजनीतिक गुमनामी में जाने से बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि उसका भाजपा में विलय हो गया है और उसने राज्य में लोगों और समर्थकों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो दी है। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के पास अपने दम पर 136 विधायक हैं और कांग्रेस में से किसी ने भी जेडीएस से समर्थन नहीं मांगा है। यह हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है कि किसे सीएम या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। एक समय पर हमने सांप्रदायिक भाजपा को दूर रखने के लिए जेडीएस समर्थन मांगा था, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, कहा मंत्री एच के पाटिल ने। बीदर जिले में कम तीव्रता के 2 भूकंप आए, हल्के झटके महसूस किए गए। कांग्रेस शासन में कर्नाटक बर्बाद हो गया, यहां के मुख्यमंत्री को अपना भविष्य नहीं पता, पीएम मोदी। फॉक्सकॉन के चेयरमैन को लिखे फर्जी पत्र पर एफआईआर दर्ज, डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा। काशमपुर का कहना है कि कांग्रेस सरकार जल्द ही गिर जाएगी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।